बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप खैरियत से होंगे प्यारे विजिटर मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सब को हमेशा खुश रखे आमीन प्यारे विजिटर आज हम बात करेंगे जिनका नाम एफ से शुरू होता है आपके बिजनेस और जॉब के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा शालशुदा लाइफ और तालीम के लिए कैसा रहेगा जिन दोस्तों को अपना बुरज मालूम नहीं तो नाम के पहले हरफ से आप गाइडलाइन ले सकते हैं जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें शुक्रिया तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस व्यापार की तो ये महीना आपके लिए नॉर्मल से अच्छा रहेगा इस महीने में आपकी इनकम तो अच्छी होगी लेकिन आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी और इस महीने में अगर आप नया काम करना चाहते हैं तो आप पंद्रह मार्च के बाद कर सकते हैं पंद्रह मार्च के बाद आपको किस्मत का साथ मिलेगा और अगर आप ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करते हैं तो इस महीने में आप किसी जगह भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह सोच समझ कर करें वरना दिक्कत हो सकती है आप एहतियात करें आप जो भी काम करते हैं समझदारी से करें और इस दौरान आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इस महीने में आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे आपको उसी हिसाब से उसका रिज़ल्ट मिलेगा और जो लोग लो जॉब करते हैं ये महीना आपके लिए नॉर्मल रहेगा इस महीने में आपको मन लगाकर मेहनत करने की ज़रूरत होगी इस दौरान अगर आप समझदारी से चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी यानी इस दौरान आप अपने सीनियर और जूनियर के साथ बनाकर रखें इस महीने को हर चीज़ में अच्छा करने के लिए आपको इसका हल भी इसी वीडियो में बताया जाएगा तालीम की बात करें तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा इस महीने में आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और इस महीने में आप सब गाड़ी चलाते वक्त ध्यान से गाड़ी चलाएं। शाशुदा लाइफ की बात करें तो आपके सेवनथ हाउस का लॉर्ड छः मार्च को मरकरी आपके तीसरे घर में आ जाएगा जो अच्छा नहीं माना जाता इसलिए आप इस दौरान समझदारी और प्यार मोहब्बत से चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी वरना आपकी अनबन हो सकती है अल्लाह ना करे आप एहतियात करें और जो लोग सिंगल हैं और शादी करना चाहते हैं तो इस महीने में आपके लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है और जो लोग शादी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं प्यारे विजिटर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जैसा होता है आपको बताया जाता है ताकि आप थोड़ी सी एहतियात करके अपने लिए बेहतरी कर सकें इस महीने में आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करें और लड़ाई झगड़े से बचें रिलेशन की बात करें तो पंद्रह मार्च से पहले थोड़ा सा आपके लिए ये महीना सिलो हो सकता है फिर इसके बाद आपके लिए बेहतर रहेगा लेकिन इस महीने में आप अगर अपने गुस्से पर कंट्रोल रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी सेहत की बात करें तो ये महीना आपके लिए ज़्यादातर अच्छा रहेगा लेकिन इस महीने में आप ज़्यादा बेहतियाती ना करें वरना छोटी मोटी दिक्कत हो सकती है अला ना करें प्यारे विजिटर आप इस महीने हसब तोफ़ीक सदका देते रहें और आप चलते फिरते अस्तफर का ज़िक्र करते रहें आपको हर चीज़ में फ़ायदा होगा मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें शुक्रिया